We are now going to discuss the second part of electrostatics, that is Coulomb's law. तो कूलम्स लॉ बेसिकली क्या स्टेट करता है कि अगर दो चार्जेस हैं, जैसे हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देखा था, दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पे दो चार्जेस की बात हो रही है, ये क्यू वन और ये जो चार्ज है ये क्यू टू, तो दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी हो सकता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन उसका जो मैग्नीट्यूड है, the magnitude of that force is directly proportional to the product of the charges, exactly like the gravitational force. और ये distance अगर r है, तो it is inversely proportional to r square. ये ऐसा experimentally पाया गया है. क्या किया गया है? पाया गया है. ऐसा experimentally पाया गया है कि इस तरह से होता है. तो जब इसको कंबाइन करेंगे आप, तो आपको मिलेगा इक्वेशन, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है. तो वो आ जाता है ये स्मॉल के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर. ये स्मॉल के है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और इसका वैल्यू है वन बाई 4 pi epsilon. तो यानी फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? q1 q2 by 4 pi epsilon not r square. अब इस पे बात करते हैं. यहाँ पे जो हम लोगों को ये epsilon not दिख रहा है, 4 pi ठीक है, क्लियर है. epsilon not जो है इसको बोलते हैं absolute permittivity of free space. मतलब ये किस मीडियम के लिए? ये एयर या वैक्यूम के लिए. तो ये पाया गया है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है दो चार्ज के बीच में, वो मीडियम पे डिपेंडेंट है. वो मीडियम पे क्या है? डिपेंडेंट. अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है, यानी लेस डेंस, तो उसके लिए पाया गया है कि फोर्स का वैल्यू जो है उसमें जो कांस्टेंट आता है के, वो के आता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यानी ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू निकल के आता है 8.854 इंटू 10 रेज टू माइनस 12. और यूनिट तो आप निकाल लेंगे. अगर इसको ऊपर ले जाओ ये नीचे आएगा, यानी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इज इट नॉट कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर आएगा इसका वैल्यू. तो एक्चुअली पहले ये वैल्यू आया है, यानी ये 1 बाई 4 पाई इंटू ये एक्सपेरिमेंट जो मिला है वैल्यू, और उसमें 4 पाई को छोड़ के ये जो वैल्यू है, क्योंकि हर बार 4 पाई आएगा प्लस एक वैल्यू आएगा, तो वो जो वैल्यू उसको बोला गया है परमिटिविटी उस मीडियम का. सर अगला मीडियम लेंगे तो उसमें भी 4 पाई के टाइम एप्सिलॉन नॉट है, तो 4 पाई को छोड़ दो, बचा हुआ क्या है उस मीडियम का? परमिटिविटी. वो मीडियम कितना उसको अलाउ कर रहा है. तो ये है एप्सिलॉन नॉट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा या फोर्स का वैल्यू क्या होगा दो चार्ज के बीच में, और दूसरा कोई मीडियम लेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी मीडियम उसको इफेक्ट करने वाले है. ठीक है, अफेक्ट करने वाले है. मीडियम उसको क्या करने वाला है? अफेक्ट. इफेक्ट नहीं, अफेक्ट. तो ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये मीडियम चेंज होने से चेंज होगा. तो यहाँ पे एक दूसरा कैपिटल के डिफाइन किया गया है, जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है इंसुलेटर, जो हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जब हम लोग कंडक्टर डिस्कस करेंगे तो उसके बाद वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, क्योंकि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें डाइलेक्ट्रिक टू बेस्ड कैपेसिटर्स पे मोस्टली करते हैं. तो डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या है? इंसुलेटर. तो कोई दूसरा मीडियम से वाटर में आप रख दिया, तो वाटर क्या है? इंसुलेटर. तो दूसरा जो भी कोई मीडियम है, उस मीडियम में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू या फोर्स का वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है. तो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कैसे डिफाइन किया गया? ये रेशियो है दो किसका, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसका रेशियो है. तो ये कैसा है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्योंकि वो रेशियो है. तो ये ऊपर वाला क्या है?
तो वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मैं शॉर्ट लिखता हूँ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और नीचे वाला क्या है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अच्छा अब अगर हमने कोई दूसरा मीडियम ले लिया तो उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या होगा? ये जो फोर्स का वैल्यू इसको हम एफ नॉट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एफ नॉट, क्योंकि ये एयर में कोई मीडियम लिया हमने तो उस मीडियम में इसका जो वैल्यू होगा फोर्स का वो होगा क्यू एन क्यू टू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं आएगा क्या आएगा एप्सिलॉन एम आएगा, क्योंकि उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू अलग होने वाला है क्योंकि वो मीडियम अलग तरह से बिहेव कर रहा है, राइट। तो और आर स्क्वायर, ये जो एप्सिलॉन एम है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। तो कैपिटल के और स्मॉल के इसका आप ध्यान देना, स्मॉल के क्या है 1/4 epsilon naught और कैपिटल के क्या है वो है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी वो है एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन एम को डाल देंगे के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू वन क्यू टू बाई फोर बाई, और एप्सिलॉन एम क्या होगा वो होगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये है आपका एफ नॉट, तो बेसिकली ये हो जाएगा एफ नॉट बाई के। इसका मतलब क्या है कि जैसे मीडियम बदलेगा या हम मीडियम चेंज करेंगे तो जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में है या एग्जिस्ट कर रहा है जो फोर्स, वो फोर्स के टाइम्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वाटर लिया तो वाटर का डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है 81, तो अगर आपने दो चार्जेस को एयर से वाटर में प्लेस कर दिया तो वही फोर्स 81 टाइम्स क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह से डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ये क्या करता है, इससे हम निकाल सकते हैं कि दूसरे मीडियम में फोर्स का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, नाउ लेट अस डिस्कस वेक्टर फॉर्म ऑफ लर्न लॉ। तो इसमें हम लोगों ने इस तरह से ये एक्सिस कंसिडर कर लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और दो चार्ज ले लिया हमने, जैसे यहाँ पे एक चार्ज लिया है, ये जो चार्ज है इसका पोजीशन है कुछ आर वन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पहले वेक्टर का पहले चार्ज का, और दूसरा जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज का हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया है आर टू, ये बी, ठीक है, जहाँ पे है चार्ज क्यू वन यहाँ पे है चार्ज क्यू टू, ठीक है। तो आप ये भी हटा दो, राइट, ये क्यू वन का पोजीशन और ये क्यू टू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे दोनों चार्ज जो है पॉजिटिव कंसिडर किए, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ओके। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, ये फोर्स जैसे ये क्यू वन क्यू टू पे कैसा फोर्स लगाएगा, तो क्यू वन क्यू टू पे ऐसा फोर्स, ये फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और टू वन पे किधर फोर्स लगाएगा, तो टू वन पे इधर फोर्स लगाएगा, ये है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, कैसे फोर्सेस है एक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहला चीज क्या कि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन है कि नहीं, यानी ये उस पर जितना फोर्स लगाएगा वन टू पे उतना ही फोर्स एग्जैक्टली टू वन पे लगाएगा, तो एक्शन रिएक्शन पेयर। दूसरा ये एक सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि इट विल एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, तो ये दो चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन है इसी के अलॉन्ग एक्ट करेगा, इधर इधर, बाकी कोई दूसरी डिरेक्शन में एक्ट नहीं करता है, ठीक है, ओके, इट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब हमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ वन टू जो आपको दिख रहा है वहां पे एफ वन टू का हम लोग वेक्टर फॉर्म डिराइव करेंगे। चलो तो अभी यहां देखो आप इस क्वेश्चन इसमें अगर मुझे एफ वन टू निकालना है, राइट, फोर्स एफ वन टू वेक्टर फॉर्म, तो मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड लिखूंगा फोर्स का और मैं डायरेक्शन लिखूंगा, बराबर है। तो मैग्नीट्यूड तो पता ही है वो कितना है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस आर है,
ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस दोनों के बीच में आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड पता है मुझे k q1 q2 r² और डायरेक्शन ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू इज डायरेक्टेड फ्रॉम टू टू वन, इज डायरेक्टेड फ्रॉम बराबर है कि नहीं, द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू इज डायरेक्टेड फ्रॉम टू टू वन, तो यानी इस डायरेक्शन में, यानी r टू वन कैप की डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, r टू वन टू टू वन, यानी f वन टू इज डायरेक्टेड फ्रॉम टू टू वन, बराबर है कि नहीं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज डायरेक्टेड फ्रॉम टू टू वन, क्लियर, ठीक है, तो मैं लिखूंगा उसका यूनिट वेक्टर r टू वन, आगे वेक्टर फॉर्म, लेकिन ये एक रफ वेक्टर फॉर्म, इसको अच्छे से एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देंगे ऐसा, f12 is equal to k q1 q2 r square, ये यूनिट वेक्टर है, और हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, a vector divided by its magnitude, a vector divided by its magnitude, बराबर, तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, r21 क्या को लिख देंगे, r21 वेक्टर डिवाइडेड बाय r21 का मॉड, ठीक है, ओके, अब ये r21 का मॉड भी r होगा, r21 r12 दोनों जो वेक्टर है वो यही तो वेक्टर है, तो r इज इक्वल टू r12 वेक्टर का मॉड इज आल्सो इक्वल टू r21 वेक्टर का मॉड, बोलो समझ में आया, ठीक है, ओके, तो ये r है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं f12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू क्या हो जाएगा k q1 q2, मैं इसको लिख दूंगा r21 का मॉड, ये भी r21 का मॉड, तो नीचे क्या मिल गया मुझे r21 वेक्टर का मॉड का q, बराबर है, और ऊपर क्या मिला मुझे r21 वेक्टर, सही है, ओके, सुन रहे हो, सुन तो नहीं रहे हो तुम, नहीं पीछे, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले r21 वेक्टर क्या होगा, तो आप देखो इस डायग्राम में ये क्या है r1 वेक्टर, ये क्या है r2 वेक्टर, और 2 से 1 यानी ये है r21, बराबर है, ठीक है, 2 से 1, तो r2 plus r21, r2 plus r21 क्या देगा, r1 देगा, तो r21 क्या होगा R1 minus R2, बोलो बोलो, R1 minus R2, तो इसको मैं डालूं, तो मुझे F12 क्या मिलेगा, ये तो सही लिखा है, सब सही है, R1 से R2, force on one due to two, force on one due to two, is directed from two to one, बराबर है, क्योंकि ये two one को repel कर रहा है, सही है, सही है, तो यहां से आप लिख दोगे k q1 q2, ये r21 वेक्टर क्या है r1 माइनस r2 k मॉड का q, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर मॉड नहीं आएगा, आप लिखोगे r1 माइनस r2, ये इसका वेक्टर फॉर्म, तो अभी f21 का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, डायरेक्टली बोल दो क्या होगा, k q1 q2 जो होगा ये नीचे r2 माइनस r1 का मॉड, r1 इसका मॉड का q, और ऊपर क्या आएगा r2 माइनस r1, तो क्या समझ में आया आपने को, अपने को ये समझ में आया कि f12 इज नेगेटिव ऑफ f21, यानी एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वन पे लग रहा है, और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन टू पे लग रहा है, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज एंड दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सही, तो दिस इज अबाउट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ओके, देखो भाई अभी अगला है इसमें सुपरपोजिशन, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर बहुत सारे चार्जेस रखे हुए, जैसे हमने ग्रेविटेशन देखा, बहुत सारे मासेस
एक साथ एक जगह बहुत सारे मास हटे हुए, तो एक मास पे क्या फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे मान लो कि एक चार्ज रखा है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3 और इस तरह से यहाँ पे एक है Q4 और डॉट 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 यहाँ पे Qn, ऐसे बहुत सारे चार्ज रखे, ठीक है। तो हमें निकालना है कि Q1 पे क्या फोर्स लगेगा, ओके, व्हाट इज द फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q1। तो सबसे पहले जो ये 2 है राइट, तो 2 और 1 को आप जोड़ दो, चलो तो यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, यानी ये इसको रिपेल करेगा। अगर एक भी नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगा, यानी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी वो उसको इस तरफ खींचेगा, छोड़ेगा, समझ में आ रहा है, या उसको रिपेल करेगा, धकेलेगा, दो में से एक होगा। अभी मैंने मान लिया सब पॉजिटिव है, पर कोई जरूरी सब पॉजिटिव होंगे नहीं, उसमें से एक दो नेगेटिव हो सकते हैं, जो हम आगे सवाल को देखेंगे। तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में भी नेगेटिव ला अट्रैक्ट करता है, तो वो हो जाएगा, आप अट्रैक्ट करवा देना, रिपेल करा रिपेल करवा देना, उसमें क्या है, समझ में आया। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सब क्या कंसिडर कर रहे हैं, पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी ये हो गया, अभी ये Q3 ये इधर लगाएगा फोर्स, तो ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 और ये 4 है, तो 4 क्या करवाएगा, ये करवाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4 और ये n, ये इधर करवाएगा इसको फोर्स ऑन 1 ड्यू टू n। अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फोर्स ऑन 1, नेट फोर्स कितना लग रहा है 1 पे। ऐसे ही हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं 2 पे, 3 पे, 4 पे, किसी पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स निकालना है तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, अरे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की क्या जरूरत है, आप खुद ही बोल सकते हैं, अरे नेट फोर्स निकालना है, इतने फोर्स लग रहा है, सबका वेक्टर सम कर दो, इसको मैं नाम दे दिया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ये तो वेक्टर सम है, क्या ये वेक्टर सम है, बस उसी को नाम क्या दे दिया है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल नाम दे दिया, ठीक है, यस बराबर। तो फोर्स ऑन 1 क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 1 ये नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 खुद पे तो फोर्स नहीं लगा, जैसे आप कभी खुद को मजबूर नहीं करते पढ़ाई कर लो, लेकिन आपको दूसरे मजबूर करता है, पढ़ लो बेटा पढ़ लो, टीचर बोलता है पढ़ लो होमवर्क कर लो, है कि नहीं। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 1 तो होगा नहीं, इसको तो हटा ही दो, तो बचा क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू मम्मी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पापा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू टीचर, टीचर तो बोलोगे उधर ना है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू टीचर, और उसके बाद फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सो मेनी पीपल, ठीक है, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, समझ में आया। तो यहाँ पे इसको वर्ड्स में अगर मतलब आप अंग्रेजी में लिखना चाहोगे इसको क्या लिखोगे, द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस बिटवीन बिटवीन टू बिटवीन अ पेयर ऑफ चार्ज, जो भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं या इंडिविजुअल फोर्सेस हैं जो उस चार्ज पे लग रहे हैं उसका वेक्टर सम, ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये F12 है, F12 तो 1 और 2 में जो फोर्स है, 1 और 2 में जो फोर्स है उसको 3 बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है समझो, यानी 1 और 2 के बीच का जो फोर्स है वो एक इंडिविजुअल फोर्स, मतलब अगर 3 है तो भी 2 1 के उतना ही फोर्स है, 3 प्रेजेंट है फिर भी 2 1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर 4 भी प्रेजेंट है तो भी उनके बीच में जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है, 3 और 4 से इंडिपेंडेंट है, 3 और 4 पे डिपेंडेंट नहीं है कि 3 आ गया तो 1 और 2 आपस में जो फोर्स है वो कम ज्यादा कर देंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। 1 और 2 आपस में जो फोर्स लगा रहा है वो 3 हो या ना हो, 4 हो या ना हो, वो उतना ही फोर्स लगाने वाला है, ये पॉइंट समझ में आपको, ठीक है। तो ऐसे जो इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट कर रहे हैं ये फोर्सेस, इन सब का वेक्टर सम क्या देगा हमें, नेट फोर्स देगा 1 पे, ये पॉइंट समझ में आपको, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। यानी अगर आपने इंडिविजुअली दो पेयर के बीच का फोर्स निकाला
आपने सारे वेक्टर्स निकाले इंडिविजुअली, तो उसी का वेक्टर से हमें क्या देगा, टोटल फोर्स देगा, यानी सारे चार्जेस एक साथ प्रेजेंट हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपना अपना इंडिविजुअल फोर्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और फिर उसका वेक्टर सब हमें क्या देगा, रिजल्टेंट देगा, और वो रिजल्टेंट जिस डिरेक्शन में होगा उस डिरेक्शन में ये चार्ज मूव कर सकता है, अगर ये फ्री हो तो, इफ इट इज फ्री टू मूव इट कैन मूव इन द रिजल्टेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। समझ में आपको, तो वैसे भी सवाल रहते हैं तो ये समझ में आए, जिसके सिंपल सा क्वेश्चन जैसे हमने ग्रेविटेशन में लिया था, तो जैसे मान लो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है राइट, तो ये लाइट रॉड्स हैं जहाँ पे हमने इसके वर्टेक्स पे तीनों वर्टेक्स यानी वर्टाइसिस पे हमने क्या कर दिया है, हमने तीन चार्ज दे दिया है, ये क्यू और ये माइनस क्यू, ठीक है, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस तरह से हम लोगों ने ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इस पॉजिटिव चार्ज पे यानी कि जो पहला चार्ज जो ए पे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए पे जो चार्ज रखा है उस पे हमें फोर्स निकालना है, यानी फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट ए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, आप बताओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये जो ट्रायंगल है इधर, तो अभी हमें इस पे फोर्स निकालना है ना, इस पे फोर्स निकालना, तो ये खुद पे तो फोर्स निकल जाएगा, अब ये नीचे वाला पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, हाँ उसको, तो उसको रिपेल करेगा इधर, तो ये होगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। और ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को, तो ये बिल्कुल ऐसा अट्रैक्ट कर लेगा, और मैग्नीट्यूड बराबर है तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर तुम्हें ए पे फोर्स निकालना है तो वो फोर्स ऑन ए ड्यू बी, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा ये फोर्स, और दूसरा फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी एक इंडिपेंडेंट फोर्स, इन दोनों का फैक्टर समझेगा आपको रिजल्ट, ऐसा ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल कहता है। कोई भी इसका बना दो पैरेललोग्राम, ठीक है, तो आपने बना दिया, क्या बना दिया, पैरेललोग्राम, ओके, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बना दिया आपने, और ये क्या है, ये है रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स यानी एफ ए, तो ऊपर से बहुत खुश हो रहा है ये सुनकर, तो ये है नेट फोर्स ऑन ए, दिस इज नेट फोर्स ऑन ए, वो बहुत बार उसको मैं आप लोग पढ़ा, तो ये जो नेट फोर्स ऑन ए ये निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पे इक्वेटर ट्राइंगल, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 120, यानी ये दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 120, एफ ए बी और एफ ए सी के बीच का एंगल कितना है 120 है, तो अभी आप यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो अंडर रूट, तो पहला वाला फोर्स का उसको एफ वन बोल दो, तो दोनों जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्या है, अगर ये जो साइड है ये साइड कितना है ए, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ ए बी का मॉड इज इक्वल टू एफ, सॉरी एफ ए सी का मॉड, और उसको मैं बोल देता हूँ उसको एफ, क्या बोलता हूँ एफ, क्योंकि दोनों बराबर है, तो एफ वन स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं, ये क्या होगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, आपको क्या मिलेगा ऐसे रिजल्टेंट फोर्स, ये आपको मिल जाएगा, ये भी एफ स्क्वायर वो भी एफ स्क्वायर वो टू एफ स्क्वायर और वो कॉस ऑफ 120, कॉस 120 कितना होता है माइनस हाफ, ठीक है, नहीं आया तो निकाल सकते कैसे, तो कॉस 120 होगा कॉस ऑफ 90 प्लस 30, ठीक है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है
सेकेंड क्वाड्रेंट और ये ऑड मल्टीपल है तो कॉस चेंज होगा साइन में, यानी साइन 30 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, माइनस साइन 30 यानी माइनस हाफ। ठीक है, तो ये आप पुट कर दोगे तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा 2f² + 2f² इंटू माइनस हाफ, तो 2 और 2 कैंसिल, 2 मिला के f आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा f। तो ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स, बोले समझ में आपको? ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स की रिलेशन लगेगा तो वो लगेगा i कैप, तो f i कैप, ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, और f का वैल्यू आप डालो k² / a² तो आंसर क्या हो जाएगा k² / a² i कैप। समझ में आपको? इस तरह आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं एक चार्ज को बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, ठीक है, देखो अ चार्ज क्यू शुड बी डिवाइडेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ चार्जेस। तो मान लो कि एक पे जो चार्ज है वो x है और दूसरे पे चार्ज कितना है 2 - x, तो फोर्स का वैल्यू कितना आएगा? फोर्स क्या होता है k q1 q2 / r² तो ये हो जाएगा के q1 यानी x, q2 यानी q - x और r इज r। यह है फोर्स, इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है आपको, तो आप पहले इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले आप इसको लिख लो, अच्छे से k होगा, पहला टर्म आएगा qx, दूसरा टर्म आएगा x² और नीचे क्या आएगा r². तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप अभी डिफरेंशिएट किए नहीं तो कॉन्स्टेंट पहले बाहर ले लो k और r², तो df / dx कॉन्स्टेंट बाहर लिया आपने k / r², अब डिफरेंशिएट करो, पहला टर्म विद रिस्पेक्ट टू x क्या बचेगा, सिर्फ q बचेगा, दूसरा टर्म में क्या आएगा 2x आएगा, इसको इक्वल टू 0 करो, तो यहाँ से ले लो q - 2x = 0 एंड x = q/2, यानी दोनों पे चार्ज इक्वल होना चाहिए q/2, तब फोर्स क्या होगा, तब फोर्स होगा मैक्सिमम।